आप मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा बोल रहे थे ना, ये भारत का क्या इलेक्शन के बीच में ना बोले 370 में कहीं टेम्परेरी शब्द नहीं था। अरे इनको चलिए आप टेम्परेरी छोड़ देंगे, अगर आर्टिकल 370 मैं कह रहा हूं टेम्परेरी शब्द होगा, बोलिए हिंदू अब देखिए आपको टेम्परेरी हिंदुस्तान के साथ जुड़ा मेरा संविधान पढ़ो। मैं कह रहा हूं राजनीति छोड़ूंगा। ये पूछना है कि कांग्रेस की विक्टिम कार्ड खेलने की राजनीति कब खत्म होगी? टेम्परेरी शब्द होगा तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। पहला शब्द टेम्परेरी, अगर पहला शब्द नहीं होगा तो गौरव भाटिया छोड़ेंगे। चलिए ठीक है, मंजूर है, सुनिए आज तक पे मंजूर है, आप बिल्कुल मंजूर है या ना? आप कभी उसके बाद आगे छोड़ देंगे, संन्यास लेंगे, बोलिए ना, संन्यास लेंगे, बोलिए संन्यास लेंगे, बोलिए। मैं क्या बच्चे देख रहे थे, मैं क्या। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो गौरव भाटिया और आलोक शर्मा के बीच होने वाली है। वह यूं कि एक दर्शक के सवाल के जवाब देते देते बात संविधान की आ गई और दोनों प्रवक्ता उसी को लेकर भिड़ गए और बात राजनीति से संन्यास लेने तक की आ गई। और हाँ, वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहिए और मिलते हैं वीडियो के अंत में। नमस्कार, मेरा नाम देव है। रोकते हैं आप सर, आपसे सवाल है कि एक अब तक परसेप्शन की बात हो रही थी, युवा के परसेप्शन क्या हो गया, परसेप्शन साइड रख दीजिए। ये पूछना है कि कांग्रेस की विक्टिम कार्ड खेलने की राजनीति कब खत्म होगी? कौन सा विक्टिम कार्ड खेला हाँ? सर आप जो है अब तक बहसबाजी में आप यही बोल रहे थे, जो बीजेपी ने काम कर चुके हैं या जो कर रही है, आप उसको विक्टिम कार्ड करें कि हमारे साथ ये हो गया। आपकी राजनीति जो है लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज नहीं होनी चाहिए, विक्टिम कार्ड। सर मुझे मतलब विपक्ष जो है विक्टिम है। नहीं सर, उसकी बात तो छोड़ लीजिए, फिर बैठा देंगे आप, बोलो भाई बोलो। नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई से, इनकी आदत होती है, मैं पूछ रहा हूँ। मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बता के जाइएगा। सर आप मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा बोल रहे थे ना, ठीक। मनमोहन सिंह जी ने 25 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो विदेशों में किए, पहले प्रधानमंत्री है जो विदेशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, देश में ही नहीं करते। मेरा क्वेश्चन गौरव सर, मुस्कुरा तो दीजिए, बेचारे डर जाएंगे सर। नहीं नहीं, आप सवाल पूछ रहे हैं, जनता सवाल को तो देखें, क्या पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन गौरव सर से है। गौरव जी सर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफी अच्छी हुई है, लेकिन हमें अपने एनिमी से कुछ सीखना चाहिए, जैसे चाइना सर, वो उस पे उनपे कुछ भी ऑप्शन लगता है तो सर सबसे पहले वो रिएक्ट करते हैं, पर सर इंडिया में बहुत स्लो रिएक्शन है। जैसे हम ले सकते हैं एग्जांपल सर स्विट्जरलैंड का सर, जो हमारे साथ इंडियन वुमेन के सामने ऐसे बुरा बुरा क्रिटिसाइज किया गया है सर, हमें बाद में पता चला क्योंकि एक लड़की ने एक वीडियो डाली थी, हमें उससे जाके पता चला कि ऐसा इंडिया के बारे में मतलब गुडविल खराब कर। ठीक है, तो इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए ताकि दूसरे देशों में लोग सतर्क रहे। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अभी भी बीजेपी डर रही है क्या? हाँ। हारने से डर रही है? कब कराएंगे? जब परिसीमन अपने हिसाब से कर लेंगे फिर चुनाव कराएंगे क्या जम्मू कश्मीर में? दोनों सवालों का जवाब। धन्यवाद। पहले तो कश्मीर पे क्योंकि सवाल आया तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा, संविधान आप देखिएगा, अनुच्छेद 370 जो पुराना था उसमें टेम्पररी शब्द था और टेम्पररी हटना था, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी हटा दें। नरेंद्र मोदी जी आए, टेम्पररी हटाया और अखंड हिस्सा कश्मीर भारत का बना। इलेक्शन के बीच में ना बोले 370 में कहीं टेम्पररी शब्द नहीं था। अरे इनको चलिए आप टेम्पररी छोड़ देंगे, अगर आर्टिकल 370 मैं कह रहा हूं टेम्पररी शब्द होगा, बोलिए हिंदू अब देखिए जम्मू कश्मीर टेम्पररी हिंदुस्तान के साथ जुड़ा मैं राजनीति छोड़ूंगा। संविधान पढ़ो, मैं कह रहा हूं राजनीति छोड़ूंगा। और अगर टेम्पररी वर्ड नहीं होगा तो गौरव भाटिया राजनीति छोड़ेंगे। नहीं नहीं, अगर टेम्पररी वर्ड नहीं होगा मैं आपको मौका दूंगी, इसके बाद जवाब दीजिएगा। दोनों एक साथ बोलेगा दर्शक कैसे सुनेंगे? आप जो मर्जी बोल के चले जाए, ठीक है, जाएंगे नहीं। अरे कौन अगर टेम्पररी शब्द होगा तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। पहला शब्द टेम्पररी, अगर पहला शब्द नहीं होगा तो गौरव भाटिया छोड़ेंगे। चलिए ठीक है, मंजूर है, सुनिए आज तक पे मंजूर है, आप बिल्कुल मंजूर है ना? आप कभी उसके बाद राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास लेंगे, बोलिए ना, संन्यास लेंगे, टेम्पररी होगा, संन्यास लेंगे, बोलिए। मैं क्या बच्चे देख रहे थे, मैं कह रहा हूँ ये भी पलटू राम है, आई एम सॉरी बोल के भागेंगे, मैं बता रहा हूँ। अरे भागेंगे, ये गौरव भाटिया वही हैं जो कहते थे सरकार नहीं बनेगी तो मैं मुंडन करा लूंगा। आर्टिकल 370 वाज़, थे वो एक सेकंड सर, आर्टिकल 370 वाज ड्राफ्टेड इन पार्ट 1121 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल चैप्टर ही यही है। टेम्पररी ट्रांजिशनल इज द चैप्टर एंड टेम्पररी इज द फर्स्ट वर्ड। अरे भाई नहीं पता, चलिए राजनीति से आउट आउट पकड़ के देंगे। राहुल गांधी ने संविधान सेक्शन में हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अखंड हिस्सा बना, टेम्परेरीली नहीं बना। ये इनको कुछ नहीं, देखिए वापस आई, ठीक है उनको जवाब दे। धन्यवाद। मैं अपने भाई से इतना कहना चाहता हूँ, बिल्कुल चुनाव होंगे, वहां पे डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी और उसके बाद बिल्कुल चुनाव होंगे। और कश्मीर में जब चुनाव होंगे तो सबसे ज्यादा सांप किसकी छाती पे लौटेंगे आपको पता है? बॉयकॉट गैंग। ये चुनाव में विश्वास नहीं रखते हैं, हम तो लेंगे और जीतेंगे वहां के लोगों का दिल भी। पूछ रहे कब होगा ये मैं नहीं, भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बता सकता है, ये मैं नहीं बता सकता, भाजपा का प्रवक्ता नहीं तय करता कि इलेक्शन कब होंगे। अंदर जी
ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आर्टिकल 324 सुपरिटेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी अंजना जी को याद रखना चाहिए। दूसरी बात एक और आया कि देरी क्यों लगाते, 26/11 हुआ मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, फाली होमी मेजर फॉर्मर एयर चीफ मार्शल ने मनमोहन सिंह जी से कहा हम पाकिस्तान को नेस्ट नाबूद कर देंगे, हां नहीं भर पाए, और उसके बाद जब पुलवामा हुआ तो फिर से कहूंगा घुस के ठोका भारत ने पाकिस्तान को, उसकी औकात दिखाई, कोई इंतजार नहीं करेंगे, हमारी तरफ पूरी नजरों से